उनको लगता है कि, और हमारी उनकी जो सीनियर होती है, मतलब हमारी सासें हैं अगर, या हमारी माएँ हैं, तो उनको भी लग रहा होता है कि अगर हमें वेट गेन प्रेग्नेंट हो गए हैं तो अब बस हमारा काम है कि हम खाते रहें खाते रहें। एक तो लाइट डिनर करें, क्योंकि इस डाइट प्लान में मैंने आपको लंच भी अच्छे वाला दिया है, आपको मैंने ब्रेकफास्ट की ऑप्शन भी बड़ी अच्छी और हेल्दी ऑप्शन बताई है बिल्कुल, और उसके अलावा आप दो स्नैक्स भी ले चुके हैं दिन में, तो उस तरह से भूख नहीं लगेगी। चल मैम, ये तो हमारी डाइट होगी सी सेक्शन और नॉर्मल डिलीवरी के हवाले से। तो मैम, अगर थोड़ा सा हम जाएँ नर्सिंग मदर की तरफ, यानी वो माएँ जो कि अपने बच्चों को फीड करवा रही हैं, तो उनकी डाइट में क्या चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए और वो अपने जो वेट को कैसे मैनेज कर सकती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट सेशन है रिगार्डिंग वेट लॉस आफ्टर प्रेगनेंसी। आज हम तीन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। नंबर वन, वेट लॉस आफ्टर अ सी सेक्शन। नंबर टू, वेट लॉस आफ्टर अ नॉर्मल डिलीवरी। और वो मदर्स जो कि अपने बच्चों को फीड करवा रही हैं, उनके लिए हम आज वेट लॉस को डिस्कस करेंगे। तो आज मेरे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर अज़का अवान। शी इज़ अ क्लिनिकल डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट। शी होल्ड्स अ डॉक्टरेट डिग्री इन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। आप गंगाराम हॉस्पिटल में काम करती रही हैं, इसके साथ साथ चिल्ड्रन और शालामार हॉस्पिटल लाहौर का भी एक्सपीरियंस है। आजकल डॉक्टर अज़का अपना एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रन कर रही हैं डॉक्टर प्लेट के नाम पर इंस्टाग्राम पर। तो डॉक्टर अज़का, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम, आई एम फाइन थैंक यू। वालेकुम सलाम और मैम, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपनी इतनी बिजी रूटीन में मेरे लिए टाइम निकाला, मेरी ऑडियंस के लिए टाइम निकाला। नहीं, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर। और बिल्कुल, आपने जो आज टॉपिक डिस्कस करना है और जो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं, इट्स रियली एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में तो ये देखते हैं हम के कर लेती हैं खवातीन किसी भी तरह, ओवर द इंटरनेट पढ़ के इवन वेट लॉस की जर्नी चल रही होती है हमारी रेगुलर। लेकिन जब आप हम प्रेगनेंट ऑफ वीमेन की बात करते हैं या लैक्टेटिंग मदर्स की बात करते हैं, तो वो कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है कि उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, कहीं से भी उठा के कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ कोर्स आपकी हेल्थ कंडीशन की बात है। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप कवर कर रहे हैं, आई रियली लाइक द टॉपिक एक्चुअली। एग्जैक्टली मैम, इसीलिए मैंने आपको स्पेशली तकलीफ़ दी है। तो मैम, सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन होगा, हम सीधा सेशन पर चलते हैं कि व्हाट इज़ द मेन रीज़न जिसकी वजह से हम देखते हैं हमारी सोसाइटी में प्रेगनेंसी के बाद बहुत ज़्यादा ख़वातीन का वेट गेन हो जाता है? क्या फिजियोलॉजिकल रीजंस हैं या कोई डाइटरी हैबिट्स का फ़र्क है? अच्छा, इसमें हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो हम देख सकते हैं। एक तो ये है, बिल्कुल फिजियोलॉजिकल चेंजेस तो आ रहे होते हैं, और वेट गेन करना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज़ अ हेल्दी थिंग, बिल्कुल ऐसा ये एक मिसकॉन्सेप्शन है। एक तो ये कि हमारे सोसाइटी, जो हम अपनी एशियन कल्चर की नॉर्मली बात करें, हमारे देसी हाउस होल्ड्स की बात करें, तो यहाँ पे क्या हो रहा होता है कि जो हमारी खवातीन होती हैं वो एकदम से बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लेती हैं। उनको लगता है कि, और हमारी उनकी जो सीनियर होती है, मतलब हमारी सासें हैं अगर, या हमारी माएँ हैं, तो उनको भी लग रहा होता है कि अगर हमें वेट गेन प्रेगनेंट हो गए हैं तो अब बस हमारा काम है कि हम खाते रहें, और वो इतना सारा फैटी फूड और इतना सारा कुछ इस तरह का सब कुछ खिलाना शुरू कर देती हैं। दैट्स एक्चुअली नॉट हेल्दी। लेकिन एक हेल्दी, इसके लिए हमारे पास रिकमेंडेशंस भी होती हैं, एक हेल्दी रेंज में वेट गेन करना बिल्कुल नॉर्मल है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इवन ड्यूरिंग लैक्टेशन, और वो जो सारा साइकिल एक चल रहा होता है, तो उस सारे साइकिल में एक नॉर्मल अमाउंट में वेट गेन करना बिल्कुल नॉर्मल है। और उसके लिए हमारे पास जो रिकमेंडेशंस हैं, थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं हम पहले, ताकि हमारी ऑडियंस को ये पता चल जाए कि नॉर्मल वेट हमने कितना गेन करना है, और उससे ज़्यादा होगा तो इट्स नॉट हेल्दी, अदरवाइज इतना वेट गेन करना इज हेल्दी, और बल्कि रिकमेंड किया जाता है कि इतना वेट गेन करें। उसमें काफ़ी फैक्टर्स इंक्लूडेड होते हैं। पहला तो ये होता है कि आपका प्रेगनेंट कंसीव करने से पहले, प्रेगनेंसी से पहले आपका कितना वेट है, उसके अकॉर्डिंग आपने वेट गेन करना होता है अपनी प्रेगनेंसी में। सबसे पहले तो ये है कि प्रेगनेंट होने से पहले आप एक हेल्दी वेट पे होने चाहिए। एक तो ये कि अगर आप हेल्दी वेट पर नहीं होते, कंसीव करने में मुश्किल होती है। आपने देखा भी होगा कि जिन फीमेल्स को मसला हो रहा होता है कंसीव करने में, उन्हें कहा जाता है कि वो अपना वेट लूज करें थोड़ा सा, इफ दे आर ओबीस एंड ऑल। एग्जैक्टली मैम, एग्जैक्टली। जी, और जो बिल्कुल अंडर वेट होती हैं उनको भी मसला हो रहा होता है कंसीव करने में। तो सबसे पहले तो एक हेल्दी बेबी के लिए इम्पॉर्टेंट है कि जो मदर है उसका अपना वेट एक हेल्दी रेंज में हो, ना वो ज्यादा हो ना वो कम हो। तो एक नॉर्मल बीएमआई की रेंज होती है हमारे पास, जिसे हम 18 से 24.9 तक की रेंज में, अगर बीएमआई के अंदर कोई बंदी फॉल करती है तो उसको हम कहते हैं कि वो एक नॉर्मल और हेल्दी वेट पे है। और अगर एक मदर अपने नॉर्मल वेट में है, यानी वो बीएमआई की 18 से 25.9 तक की रेंज में है, तो उस वो नॉर्मली 11.5 से 16 केजी तक वेट गेन कर सकती है अपनी प्रेगनेंसी में।
इजी कि ऑलमोस्ट 12 to 16 आप कह लें फॉर योर ईज के 12 to 16 के जिस तक वेट गेन करना अपनी प्रेगनेंसी में इज टोटली नॉर्मल अगर आप अपने नॉर्मल वेट गेन पे हैं. अगर आप ओवरवेट हैं, अगर आपका BMI 24.9 से 30 के बीच में फॉल करता है तो फिर आपने 7 to 11.5 kg तक वेट गेन कर सकते हैं आप. ठीक है, इसी तरह अगर आप ओबीस हैं यानी आप ऑलरेडी अपने वेट से अपने हेल्दी वेट से बहुत ज़्यादा हैं तो फिर प्रेगनेंसी में रिकमेंड किया जाता है कि आपका वेट गेन जो हेल्दी वेट गेन है वो 5 to 9 kg तक होना चाहिए. ठीक है, तो ये थोड़ी सी हमने रेंजेस बता दी कि अगर तो आप इनमें से जिस भी कैटेगरी में फॉल करते हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आप इतना वेट गेन करें तो दैट्स टोटली नॉर्मल और उसमें बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है. आफ्टर आपका डिलीवरी इधर इट विल बी नॉर्मल और सी सेक्शन आपका ये वेट चला जाएगा एंड इट इज द रिकमेंडेड वेट गेन फॉर प्रोड्यूसिंग अ हेल्दी बेबी. तो ये तो अब हमें पता चल गया कि एक नॉर्मली तो वेट गेन हमारा होना है और वो इतना होना है. ठीक है, तो इसके रीजंस के जब हम बात करते हैं तो आप देखें इतना वेट गेन होना है इसके फिजियोलॉजिकल रीजंस हैं ऑफ कोर्स क्योंकि देयर इज अ बेबी इनसाइड यू, बेबी ग्रोइंग इनसाइड यू और उनका भी वेट होता है, आपके जो एमनियोटिक फ्लूड होता है प्लेसेंटा होता है उनका वेट होता है, बेबी इटसेल्फ हैज सम वेट तो वो वेट आपका गेन होना ही होना है. इसके अलावा प्रेगनेंसी में हमारी बॉडी में मल्टीपल फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ रही होती हैं जैसे आपका ब्लड वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है. 50% ऑफ द हम कहते हैं कि आपका ब्लड वॉल्यूम प्रेगनेंसी में ज्यादा हो जाता है औरतों का, जिसकी वजह से आपको आइडिया होगा कि बहुत सारी खवातीन को इश्यूज आ जाते हैं, उनका आयरन कम हो जाता है, उनका हीमोग्लोबिन काउंट कम हो जाता है, ब्लड सेल्स काउंट कम हो जाता है. तो एक्चुअली ये नहीं हो रहा था एग्जैक्टली सम प्रॉब्लम्स भी आते हैं जैसे टॉक्सीमिया ऑफ प्रेगनेंसी होता है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो जाता है टेंपरेरी, वो साथ बिल्कुल ऐसी ही है. तो वो सारी चीजें क्यों हो रही होती हैं क्योंकि आपका ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है तो ब्लड सेल्स ऑफकोर्स कम कर जाएंगे. तो ब्लड वॉल्यूम 50% अगर इंक्रीज किया तो ऑफकोर्स उसका भी वेट ऐड होगा आपकी बॉडी में. उसके अलावा आपके बॉडी में जो आपके ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होते हैं, फ्री फैटी एसिड्स होते हैं, आपके मतलब आप कह लें आप फैट इंक्रीज भी होता है आपकी बॉडी में, इट्स नेचुरल. थोड़ा सा फैट इंक्रीज होना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इट्स टोटली नेचुरल और जिसे हम एक टर्म जेस्टेशनल फैट गेन के नाम से भी कहते हैं. तो ये कुछ सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रहे होते हैं जो कि बिल्कुल नॉर्मल है और तो इसकी जस्ट और हमारे नॉर्मली हमारे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में तो फिर बहुत सारे डाइटरी रीजंस भी ऐसे हैं, हमारे लाइफस्टाइल ऐसे हैं कि नॉर्मली हमारे यहाँ क्या ट्रेंड हो गया है कि अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है एंड यू गेट टू नो द मोमेंट यू गेट टू नो कि यू आर प्रेग्नेंट तो उनको कहा जाता है कि बेड रेस्ट करें विच इज़ अ वेरी अनहेल्दी प्रैक्टिस. तो अगर अपना लाइफस्टाइल आप फिजिकली एक्टिव कम हैं, आप टोटली अपनी फैटी फूड्स लेना शुरू कर दी हैं, आपने वो घी वाली पंजीरियाँ और चीज़ें खानी शुरू कर दी हैं ऑल ऑफ अ सडन और बिल्कुल भी अपनी मूवमेंट कम कर दी है तो ऑफकोर्स वो फिर हमारी रीजन सारी डाइटरी हो जाएंगी. उसके अलावा फिजियोलॉजिकल चेंजेस तो हैं ही, उनमें नॉर्मली इतना वेट गेन होना इज नॉर्मल. Okay, और अगर बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया मैम आपने, यानी फिजियोलॉजिकल रीजंस तो हैं डेफिनेटली, एक लाइफ सर्वाइव कर रही है आपके अंदर उस वजह से तो चेंजेस डेफिनेटली होंगी, वेट गेन होगा और फिर कुछ डाइटरी हैबिट्स भी हैं और प्रेगनेंसी के अंदर एक्टिविटी का ना होना बहुत बड़ी रीजन है वेट गेन की. बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है. Okay. और इसके लिए तो हम बिल्कुल रिकमेंड करते हैं कि जब आपको पता चलता है आप प्रेग्नेंट हो, आपने कंसीव कर लिया है तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप अपनी एक प्रॉपर रूटीन में आए और आप एक अपनी नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी, ये नहीं कह रही कि एक्सरसाइज करें ढेर ढेर सारी, बट एक नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी जरूर स्टार्ट कर दें, जो नहीं करी वो भी स्टार्ट कर दें बिकॉज टोटली बेड पे बैठना विल इंक्रीज द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द प्रेगनेंसी. ओके, यानी फिजिकल एक्टिविटी एक मॉडरेट लेवल पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मैम बहुत अच्छा आपने एलैबोरेट किया. तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि वेट लॉस आफ्टर अ सी सेक्शन या वेट लॉस आफ्टर अ नॉर्मल डिलीवरी, इनमें फ़र्क क्या है और इनकी हम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं? ठीक है, अब अगर आपने वेट लॉस करना है और उसका तरीका, अगर आपका क्वेश्चन ये है कि आप पूछ रहे हैं कि तरीके में कितना फ़र्क है वेट लूज करने का एक नॉर्मल डिलीवरी के बाद और एक सी सेक्शन के बाद, तो बेसिकली इन दोनों चीज़ों में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है. हाँ, इसमें ये फ़र्क ही आता है कि देखिए सी सेक्शन में क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस थोड़ी ज़्यादा होती हैं, आपको रेस्ट ज़्यादा चाहिए होता है, आपकी बॉडी को सर्जरी से रिकवर करने के लिए हीलिंग प्रोसेस जो होता है वो थोड़ा स्लो हो जाता है इन अ सी सेक्शन. और एक नॉर्मल डिलीवरी में आपने देखा होगा कि इवन 2 to 3 दिन के बाद एटलीस्ट अ फीमेल इज एबल टू वॉक, और सी सेक्शन में थोड़ा सा टाइम लग जाता है आपको उठने में क्योंकि ऑफकोर्स आपको होता है एक नॉर्मल सर्जरी में भी जब एक बंदे की नॉर्मल सर्जरी हुई है तो उसे थोड़ा सा टाइम लग जाता है रिकवर करने में. ये होता है नॉर्मल डिलीवरी में, ये होता है कि अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो यू कैन स्टार्ट डूइंग योर एक्सरसाइज. एंड व्हेन आई से एक्सरसाइज आफ्टर प्रेगनेंसी आफ्टर डिलीवरी तो इट मीन्स अ मॉडरेट लाइट एक्सरसाइज लाइक 30 मिनट वॉक और लाइट योगा. ये नहीं कह रही कि आप 2 दिन बाद ही
ढेर सारी एक्सरसाइज करना शुरू कर दें। तो नॉर्मल डिलीवरी में 3 से 4 दिन के बाद भी इफ़ यू फील लाइक इट, अगर आपकी बॉडी वेल रेस्टेड है, अगर आपको फील होता है यू कैन, तो आप 2 से 3 दिन के अंदर एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं आफ्टर नॉर्मल डिलीवरी। और सी सेक्शन में हम रिकमेंड करते हैं कि एटलीस्ट 6 to 8 weeks वेट किया जाए बिफोर स्टार्टिंग एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज। उसमें भी कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें देखना पड़ता है, एक तो ये कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशंस नहीं रही हैं आपकी बॉडी में, या आपकी कंडीशन सर्जरी के टाइम पे कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आई, या आपकी कंडीशन एक नॉर्मल है, तो फिर आप 6 to 8 weeks तक अपने डॉक्टर की, अपने गायनेकोलॉजिस्ट की परमिशन से एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैम, एक नॉर्मल सी सेक्शन के बाद कब वेट लॉस स्टार्ट करना चाहिए, एक सेफ लिमिट क्या रहती है? एक नॉर्मल डिलीवरी के बाद हम वेट, अपना जो वेट लॉस का प्रोसीजर है वो स्टार्ट कर सकते हैं 2 से 3 दिन के अंदर, अगर तो बिल्कुल कोई मसला नहीं है और फीमेल इज एबल टू वॉक एंड डू, जो कि हो जाती है नॉर्मली। लेकिन एक सेफ पीरियड हम ये कहते हैं कि एटलीस्ट 1 हफ्ता वेट कर लें, और उसके बाद नॉर्मली जो हमारे पास स्टडीज होती हैं उसके अकॉर्डिंग एक सर्वे भी किया गया था इस पर कि जो नॉर्मली वीमेन होती हैं उनको कितने टाइम बाद एवरेज वुमेन एक स्टार्ट कर देती है, बिकॉज फिकर तो सबको होती है, सब चाहती हैं कि वैसे अपने प्री प्रेगनेंसी वेट पे दोबारा चले जाएं। लेकिन इसमें जल्दी नहीं करनी चाहिए आपको, यू हैव टू लिसन टू योर बॉडी एंड व्हाट इट रिक्वायर्स फ्रॉम यू। तो उस लिए आपको एटलीस्ट 1 हफ्ता कहते हैं कि नॉर्मली आप रेस्ट कर लें। लेकिन नॉर्मली ये देखते हैं, मुझे, मैं आप सर्वे की आपको बात करी कि उसमें देखा गया था कि एटलीस्ट 2 मंथ्स बाद आप जो है, एक औरत, एवरेज वुमेन इन आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, एवरेज वुमेन 2 मंथ के बाद शुरू करती है कोई भी वेट लॉस। लेकिन मेडिकली आप बिल्कुल 1 हफ्ते के बाद से स्टार्ट कर सकते हैं अपना कुछ भी, इफ इट्स अ नॉर्मल डिलीवरी, एंड इफ इट्स अ सी सेक्शन तो यू शुड वेट 6 to 8 weeks कोई भी वेट लूज का प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले। मैम, हम देखते हैं हमारे तो बल्कि माशरे के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी के बाद घी से बनी हुई अशिया इस्तेमाल कराई जाती हैं, एक्सरसाइज से दूर की बात 1-2 महीने 3 महीने तक तो ऐसे ही लग रहा होता है जैसे कंप्लीट बेड रेस्ट चल रहा है। बिल्कुल, एंड दैट इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस। तो यही मैंने इसीलिए इसको पहले थोड़ा इस सेंस में डिफरेंशिएट किया कि एक तो नॉर्मली जो हम थीरी में कर रहे होते हैं, जो हम रिकमेंड कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में और हमारे यहाँ पे देसी हाउस होल्ड में थोड़ा सा फर्क होता है। यही फर्क होता है कि हमारा फिजियोलॉजिकल जो वेट गेन आता है वो इतना ज्यादा नहीं होता जितना हम लाइफस्टाइल और डाइटरी हैबिट्स की वजह से उसको ज्यादा कर लेते हैं। एक नॉर्मल वेट गेन जितना होना चाहिए उसकी मैंने आपको बता दी, तो इससे ऊपर हो रहा है तो फिर आप खुद देखें कि आप क्या कर रहे हैं, व्हाट रॉन्ग यू आर डूइंग इन इट, और क्या करना चाहिए आपको उस बारे में। मैम, बेसिक डाइट का फॉलो कर सकते हैं सी सेक्शन के बाद वाले और नॉर्मल डिलीवरी के बाद, और एक्सरसाइज जैसे कि आपने थोड़ा सा एलैबोरेट भी किया, तो ये थोड़ा सा अगर आप इसका मुझे ब्रीफ सा रिव्यू दे सकें। बिल्कुल, अच्छा, सबसे पहले तो समझ में ये बात है कि हम जब शुरू करते हैं ना वेट लॉस का प्रोसीजर आफ्टर प्रेगनेंसी या किसी भी प्रेगनेंट वुमेन को रिकमेंड करते हैं, तो पहली चीज़ तो होती है कि बी पेशेंट, आपने पेशेंस रखनी है। अब ये नहीं है कि आपने 9 मंथ्स में एक वेट गेन किया है एंड ऑफकोर्स यू हैव मेड अ ह्यूमन, यू हैव मेड अ बेबी, तो ये नहीं हो सकता कि आप ऑल ऑफ अ सडन ही अपने दोबारा प्री प्रेगनेंसी वेट पे आ जाएं। और ये करती हैं बहुत सारी खवातीन, बहुत इंपेशेंट होती हैं, दे लाइक बस जल्दी से 1 महीने के अंदर हम वो सारा वेट जो गेन किया है वो लूज कर लें, दैट इज अ रियली रॉन्ग प्रैक्टिस। और इस चक्कर में आप कॉम्प्लिकेशंस भी करवा लेते हैं बिकॉज एक बहुत हैवी एक्सटेंसिव एक्सरसाइज शुरू कर दी अगर, या फिर बहुत एक अपने सख्त डाइट पे चले गए हैं, क्योंकि अगर आप बहुत सख्त डाइट करते हैं तो उसमें क्या हो रहा होता है, ऑफकोर्स उसके बाद आपको बेबी को फीड करवाना है, आपकी बॉडी के अंदर इतने सारे चेंजेस हुए हैं, उनको जरूरत है न्यूट्रिएंट्स की, उनको जरूरत है अच्छे फूड की, तो आपको पेशेंस रखनी है, आपको पेशेंट रहना है, बिल्कुल जल्दी नहीं मचानी। इसमें ये हो रहा होता है कि देखें आपकी अगर तो आपने डिपेंड, ये भी है ना कि आपने वेट गेन कितना किया, अगर आपने 25 से 35 पाउंड्स गेन किया वेट, तो नॉर्मली आपको 6 to 8 weeks लग जाते हैं आफ्टर यू स्टार्ट योर जर्नी उसको लूज करने में। अगर आपने उससे ज्यादा वेट गेन किया हुआ है तो आपको इससे थोड़ा जल्दी हो जाता है, जितना वेट गेन होता है उतना जल्दी भी वो चला जाता है आफ्टर प्रेगनेंसी वेट, लेकिन एक हेल्दी वे में। और हेल्दी वे क्या होता है कि आप सबसे पहली चीज़ तो ब्रेस्ट फीड करवाएं, ऑलवेज ब्रेस्ट फीड योर बेबी, क्योंकि ये सिर्फ बेबी के लिए अच्छा नहीं है, ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, ये आपके वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छा है। जब आप बेबी को ब्रेस्ट फीड करवाते हैं टू हेल्प्स इन लूजिंग वेट, इसमें क्या हो रहा होता है कि फॉर एग्जाम्पल मिल्क प्रोडक्शन के लिए आपकी कैलोरीज यूज हो रही होती हैं, क्या होता है कि 100 ml मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए आपकी बॉडी 75 kcal यूज कर रही होती है, और आपकी एवरेज बॉडी में यू कैन से पर डे 750 ml एवरेजली एक जो प्रेगनेंट सॉरी लैक्टेटिंग मदर होती है वो 750 ml पर डे उसकी बॉडी में मिल्क प्रोडक्शन हो रही होती है। तो अगर आप अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड करवाएंगी तो ये आपका बहुत
जल्दी से जो भी वेट गेन आपने किया है प्रेगनेंसी में उसको हेल्प करेगा लूज करने के लिए। और अगर आप और ये इवन ये रेट ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है जब आप एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड करवाती हैं। अगर आप एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड करवाएंगे अपने बेबी को तो आपका ये जो एक हेल्दी जो आपका वेट लूज है वो 1 पाउंड पर वीक के हिसाब से जाएगा, यानी आपका 1 महीने में 3 से 4 पाउंड तो आपके जस्ट सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से चला गया। उसके अलावा हम एक और चीज़ का ख्याल रखते हैं कि अपनी कैलोरीज को काउंट करें। क्या हो रहा होता है कि आप ये इससे फर्क नहीं पड़ता जिसने आपने बात की कि वो देसी फूड खा रहे होते हैं, वो पंजीरियाँ खा रहे होते हैं, ऑयली चीज़ें खा रहे होते हैं, तो वो आपकी बॉडी को ज़रूरत है उस टाइम पे खाने की, आप बिल्कुल खाएं। सो देयर इज़ अ टर्म वी यूज़ कि इट्स नॉट व्हाट यू ईट, इट्स हाउ मच यू ईट। तो आप बिल्कुल वो खाएं, लेकिन ये नहीं है कि आप उसको बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में कंज्यूम करें। आप उसको मॉडरेटली रह के वो चीज़ें यूज़ करें अपनी सारी। आप हेल्दी फूड ज़्यादा खाएं, आप न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स खाएं बजाय इसके कि आप कैलोरिक डेंस फूड खा रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप हेल्दी फ्रूट लें, नट्स लें, जो हमारी पंजीरियों में भी डल रहे होते हैं उसमें नट्स हैं, बहुत सारे सीड्स हैं जो हेल्दी हैं आपके लिए, सैलड्स लें, लीन मीट, प्रोटीन। प्रोटीन इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट ऑल ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड ऑल्सो ड्यूरिंग लैक्टेशन पीरियड। सारा प्रोटीन ज़रूर लें, प्लेंटी ऑफ वाटर लें, तकरीबन 8 से 10 ग्लास पानी पिएं, 2 लीटर्स वाटर तो ज़रूर लें। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर ब्रेस्ट फीडिंग टू। और अगर आप ब्रेस्ट फीड करवा रहे हैं तो ऑफकोर्स आपकी बॉडी को फ्लूइड्स की ज़्यादा ज़रूरत है, तो 2 लीटर पानी पीना दिन में बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा वॉक स्टार्ट करें। ये अगर आपका एम नहीं भी है वेट लूज करना, स्टिल यू नीड टू स्टार्ट वॉकिंग आफ्टर यू जस्ट डिलीवर्ड अ बेबी, क्योंकि आपकी बॉडी को रिकवरी के लिए और हीलिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी बॉडी को किसी ना किसी फिजिकल एक्टिविटी में लेके आए। जितनी देर आप बैठे रहेंगे आपकी बॉडी उतनी देर उस एक वो कहते हैं ना कि बीमार बंदा उतनी देर रहता है जितनी देर वो अपने आप को बीमार फील करता रहता है। तो यू जस्ट नीड टू स्टार्ट वॉकिंग, और इससे एक तो ये होगा कि आपकी रिकवरी भी तेज़ होगी, आपके बॉडी में ब्लड क्लॉट्स जो बनते हैं अगर आप वॉक स्टार्ट करेंगे 2 से 3 दिन के अंदर ही, तो आपको वो भी हेल्प करेगा उस ब्लड क्लॉट्स के रिमूवल में। और वॉक का ये मतलब भी नहीं मैं कह रही कि आप बहुत ज़्यादा वॉक करें, एटलीस्ट 20 to 30 minutes ऑफ वॉकिंग पर डे ज़रूर स्टार्ट कर दें 2 से 3 दिन के अंदर एक नॉर्मल डिलीवरी वाले केस में। इसके अलावा एक बड़ी अच्छी ऑप्शन है हमारे पास योगा की, योगा स्टार्ट करें, क्योंकि एक तो अगर एक्सटेंसिव एक्सरसाइज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है फीमेल्स के लिए उस फेज में, तो आप ये है कि योगा स्टार्ट कर दें, लाइट योगा स्टार्ट करें। अगर आपकी सी सेक्शन हुआ हुआ है तो आप 6 वीक्स तक एटलीस्ट वेट कर लें। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी है तो राइट आफ्टर 1 वीक आप स्टार्ट कर सकती हैं। उसमें सिर्फ ये होता है कि योगा करने से आपके पेल्विक मसल स्ट्रांग होंगे, आपके एब्डोमिनल मसल स्ट्रांग होंगे, और जो एक पाउच बन जाता है, फीमेल्स को प्रॉब्लम आती है एब्डोमिनल एक पाउच बन जाता है आफ्टर डिलीवरी, तो उसमें योगा बहुत हेल्प करेगा। उसके अलावा एग्जैक्टली बल्कि मैम आपसे मैंने क्वेश्चन भी पूछना था कि जो बहुत से लोगों ने मुझसे भी कहा था कि लोअर बैली पूछ का जो प्रॉब्लम है उसका ज़रूर क्वेश्चन इंक्लूड कीजिएगा, इसके ऊपर अगर आप थोड़ा सा एलैबोरेट कर सकें। बिल्कुल, इसमें मैं आपको अच्छा इसके लिए ये है कि देखें जब भी हमने किसी एक बॉडी पार्ट को टारगेट करना होता है ना तो डैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है कि आप कहें कि मेरी सारी बॉडी इसी शेप में रहे और बस मेरा ये वाला पार्ट पतला हो जाए, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। इस तरह नहीं होता, आपका जो फैट लॉस होगा तो वो आपकी सारी बॉडी में से होगा। एक्सरसाइज इज रियली इंपॉर्टेंट, लेकिन इसके साथ साथ डाइट मैनेज करना इज मोर इम्पॉर्टेंट देन डूइंग द एक्सरसाइज। लेकिन अगर आपने टारगेट एरिया की बात की, जैसे हम अपने एब्डोमिनल पाउच की बात करेंगे, तो उसमें यह है कि आपको नंबर 1 चीज़ मैं रिकमेंड करती हूँ उसके लिए योगा। बहुत सारी एक्सरसाइजेज ऐसी हैं, यू कैन फाइंड इट ओवर द यूट्यूब, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें आपने अपनी पेस अपनी बॉडी को सुनना है। यू हैव टू लिसन टू योर बॉडी। ये नहीं करना कि कोई भी नेट से एक्सरसाइज उठाई और आपने करना शुरू कर दिया, क्योंकि ऐसे केस आए हैं हमारे पास भी। समटाइम्स क्या होता है कि क्योंकि वो बहुत ईगर होती हैं अपना वेट लूज करने के लिए, 2 से 3 दिन बाद उन्होंने अपने उस वो पाउच से परेशान होकर ऐसी ही कोई एक्सरसाइजेस कर लेती हैं फीमेल्स, जिससे उनके अंदर कॉम्प्लिकेशन से भी आपके स्टिचेस भी नहीं इवन खुले होते और वो कोई ऐसी एक्सरसाइज कर लेती हैं, तो ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। एक्सरसाइज करें लेकिन उसको ओवरडू ना करें। अपनी बॉडी को देखें कि आपकी बॉडी कितनी उस टाइम तक टॉलरेट कर रही है, ग्रेजुअली स्टार्ट करें। स्टार्ट हमेशा करना चाहिए बहुत कम से, जैसे 30 मिनट्स वॉक से स्टार्ट करें और स्लोली स्लोली इसको इंक्रीज करते जाएं। फॉर एग्जाम्पल आपने 30 मिनट्स वॉक की, उसके बाद 1 वीक के बाद आप उसके अंदर एड अप कर लें 15 मिनट और 45 मिनट्स कर लें। जब आपकी बॉडी 45 मिनट वॉक से यूज्ड हो जाएगी, इसके साथ आप योगा ऐड कर लें 10 से 15 मिनट का। जब इससे यूज्ड हो जाएगी तो फिर एक्सरसाइज ऐड करें। मतलब आप समझ रहे हैं कि माई पॉइंट इज़ कि आप इसको ग्रेजुअली ऐड करेंगे अपनी रूटीन में। एकदम से प्रेगनेंसी के बाद, बेबी डिलीवरी के बाद हम कभी भी रिकमेंड नहीं करते कि
ओवरडू कर लिया एक्सरसाइज को, ठीक है। और वो मैंने आपको बता दिया कि आपने एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, तो उसके लिए आपको 3-4 बातों का ख्याल रखना है कि कॉम्प्लिकेशंस नहीं है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी और ऐसी कोई वजह नहीं है जिसकी वजह से डॉक्टर ने आपको मना कर, उसके बाद आप बिल्कुल एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरह से आपने जो बातें बताई उनमें से अगर डाइट को कंक्लूड करूँ तो सबसे पहले तो ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से हमारी कैलोरीज ज़रूर निकलेंगी और बहुत अच्छा वेट लॉस होगा। सेकेंडली हमने प्रोटीन ज़रूर लेना है, फ्लूइड इनटेक अच्छी रखनी है और एक हेल्दी अप्रोच के साथ चलना है, और उसके साथ एक्सरसाइज में हम वॉक से शुरू कर सकते हैं और इसको हमें आहिस्ता आहिस्ता लेकर चलना है। अगर सी सेक्शन हुआ है तो कुछ अर्सा हम वेट कर सकते हैं, और अगर नॉर्मल डिलीवरी है फिर तो हम कुछ दिन बाद स्टार्ट कर सकते हैं। अपनी है कि जो हम फूड्स की एक बात करते हैं उसमें भी होता है कि हम कहते हैं वैरायटी ऑफ फूड्स ऐड करें, आप बिल्कुल ऐसे ना करें कि जो आप फूड ले रहे हैं जिस तरह हमने बात की कि वो एक ही तरह का फूड लेना शुरू कर देती हैं, उनको रिकमेंड किया जाता है बस जब खाना है पंजीरी खा लें, ये खा लें, वो खा लें, तो आपने एक ही तरह का फूड ऐड नहीं करना, हेल्दी फूड जरूर ऐड करना, आपने फ्रूट वेजिटेबल्स एज मच एज पॉसिबल ऐड करनी है, फ्रूट जूसेस के फॉर्म में आप फ्रूट ऐड कर सकती हैं, फाइबर हाई फाइबर जरूर लेना है क्योंकि जो भी आपको पता है कि कॉन्स्टिपेशन की और आपका क्योंकि जीआई ट्रैक इतना ज्यादा डिस्टर्ब हुआ होता है प्रेगनेंसी सारी प्रेगनेंसी में रहता है, तो उसकी वजह से हम फाइबर हाई फाइबर फूड्स रिकमेंड करते हैं, वो इंपॉर्टेंट है आपके फुलफिल और साइटी के लिए भी और आपके वेट लॉस के लिए भी। हाई फाइबर फूड्स उसमें आप कोई भी फ्रूट और वेजिटेबल्स यूज कर सकते हैं, जितनी ज्यादा यूज कर सकते हैं उतना अच्छा है। उसके अलावा हाई प्रोटीन डाइट जैसे मैंने आपको बताया उसके सोर्सेज हमारे पास आ रहे होते हैं, लीन मीट आ रही होती है, बीन्स आ रहे होते हैं, पल्सेस आ रहे होते हैं, जितने भी सीरियल्स हैं वो आ रहे होते हैं, फिर हमारे पास फिश, आजकल फिश का वेदर है, फिश कंज्यूम करें, बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, लीन सोर्स है प्रोटीन का, एग्स यूज कर सकते हैं आप उसके अंदर मीट के जितने भी सोर्सेज हैं वो सब हाई इन प्रोटीन होते हैं, एग यूज़ करें, मिल्क यूज़ करें, ये सारी चीज़ें यूज़ करें। और इसके बाद आप कुछ साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं जो हम कहते हैं हेल्प करती हैं आपका वेट लूज करने में, जब आप अपने वेट लॉस जर्नी पे होते हैं, जिनमें सबसे पहली चीज़ ये होती है कि छोटी प्लेट्स में खाएं, अगर आप छोटी प्लेट यूज़ करें खाने के लिए तो नेचुरली आपकी बॉडी आपका ब्रेन आपको ये सिग्नल देगा कि आप ज़्यादा फूड खा रहे हैं क्योंकि आपकी प्लेट फुल फुल रहेगी, तो ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक होता है अपनी बॉडी को करने में कि आप ज़्यादा खा रहे हैं, स्मॉल प्लेट्स में खाएं। या मैम एग्जैक्टली पोर्शन कंट्रोल भी करवाया जाता है ना, आई गेस वो भी प्रिंसिपल पर वर्क करता है कि आपने खाएं सब कुछ, कुछ भी मना नहीं करेंगे क्योंकि आप अपने बेबी को फीड करवा रहे हैं, अभी करंटली आप इतने ज्यादा अपने फिजियोलॉजिकल चेंजेस से गुजरे हैं तो कुछ हम रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे होते हैं, इनको जस्ट पोर्शन कंट्रोल कर रहे होते हैं, ये कहते हैं कि 80% सैटिस्फाइड के साथ खाएं, जब आप 80% फुल हो जाएं लीव योर फूड और 2-3 घंटे बाद दोबारा खा लें, ये ना करें कि एक ही सीटिंग में बैठे हैं और ढेर सारा फूड आपने खा लिया, दैट नॉट हेल्दी प्रैक्टिस, तो आप ये करें कि 80% स्टाइटी जब हो जाए तो फूड छोड़ दें, फिर 2-3 घंटे बाद एक छोटा पोर्शन दोबारा ले लें, इस तरह से कर लें। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी स्लीप मैक्सिमाइज करें, स्लीप पूरी लें, 8-10 घंटे की नींद लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, और नॉर्मली फीमेल्स यही वाला पार्ट जो है हमारे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है, यही वाला मिस कर रही होती है क्योंकि एक नई लाइफ है, बेबी आ गया है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, वेल रेस्टेड नहीं रहते, और जब आप सोएंगी नहीं ना तो आपका वेट लूज कभी भी नहीं होगा, अगर आप एक नॉर्मल अमाउंट जितनी आपको चाहिए उतना सो नहीं रही है तो आपका कभी भी वेट लूज नहीं होगा, क्योंकि जब आप सोते नहीं हो आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल्स जिन्हें हम स्ट्रेस हॉर्मोन्स कहते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, आपकी क्रेविंग ज्यादा होती है, तो इसके लिए अगर आपको हेल्प किसी की पड़ती है घर में किसी को कह दें बेबी को संभाल ले थोड़ी देर, बट डू टेक अ वेल गुड नाइट स्लीप, रात में नहीं सो पा रहे हैं तो अपने 8 घंटे कहीं और पूरे करें, बट डू टेक गुड स्लीप। चलो मैम ये तो हमारी डाइट होगी सी सेक्शन और नॉर्मल डिलीवरी के हवाले से, तो मैम अगर थोड़ा सा हम जाएं नर्सिंग मदर की तरफ, यानी वो माएँ जो कि अपने बच्चों को फीड करवा रही हैं, तो उनकी डाइट में क्या चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए और वो अपने जो वेट को कैसे मैनेज कर सकती हैं? इसमें देखें एक चीज़ तो जो मैंने आपको बताई सबसे पहले कि अगर आप ब्रेस्ट फीड करवा रही हैं अपने बेबी को तो ऑलरेडी आपका वेट जा रहा है, तो उसके बारे में आपको फिर इतना फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड करवा रही हैं फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड हम कहते हैं कि आपके बेबी विच इज़ ऑल्सो रिकमेंडेड कि आपका बेबी 6 मंथ्स तक कुछ भी ना ले सवाई मदर्स फीड के, आपको पता होगा इस रिकमेंडेशन का, आप भी बिल्कुल रिकमेंड करते होंगे लोग बिल्कुल ऐसे कि हम हमारा ये हो रहा होता है कि आपने 6 मंथ्स तक इवन पानी भी नहीं देना, कुछ भी नहीं देना बेबी को, यू जस्ट नीड टू गिव मिल्क, मदर्स मिल्क, तो अगर आप एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड करवाएंगे तो आपका जो वेट लॉस है फैट लॉस है वो और स्पीडली होगा, एक एवरेज स्पीड पे तो हो रहा है विच इज 3-4 पाउंड पर मंथ जाएगा आपका थ्रू ब्रेस्ट फीड ही,
तो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी, हम थोड़ी सी डाइट में और लाइफस्टाइल में चेंजेस कर सकते हैं, जिसमें पहली चीज़ तो ये है कि आपको जितनी आपकी प्रोटीन की रिकमेंडेशन होती है उससे आपने 25 ग्राम्स एक्स्ट्रा लेना होता है, या फिर एक एवरेज आप कह लें कि एटलीस्ट 75 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन आपने पर डे लेना है। प्रोटीन इज रियली इंपॉर्टेंट आपका फैट लॉस करवाना, क्योंकि आपको सिर्फ वेट लूज तो नहीं करवाना ना, आपको बस ये नहीं करना कि वेट लूज कर लें और आपकी बॉडी टोन ना हो। बॉडी टोन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप वेट लूज अपने वेट लॉस जर्नी पे होते हैं तो उसमें आप एक हाई प्रोटीन डाइट लें। तो इस वजह से आपको 75 ग्राम प्रोटीन एटलीस्ट लेना चाहिए। प्रोटीन के सोर्सेज मैंने अभी बताया आपको। इसके अलावा कार्ब्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो एक मेजर मिसकॉन्सेप्शन है हमारे यहाँ पे कि आपने कार्ब्स छोड़ देने हैं, जिसकी बहुत बड़ी एग्जांपल कीटो डाइट है जो बहुत से लोग कर रहे हैं कि आपने बस कार्ब्स लेना छोड़ देने हैं अगर आप डाइट पे हैं, कार्ब्स को कम्प्लीटली अवॉइड कर लेते हैं। बिल्कुल मैं इस चीज़ को रिकमेंड नहीं करती, बिल्कुल कार्ब्स लेना मत छोड़ें। कार्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो आपको एनर्जी देने के लिए, एंड स्पेशली अब आप ब्रेस्ट फीड भी करवा रही हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फील होता है ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग और आफ्टर ब्रेस्ट फीडिंग कि आपका एनर्जी लेवल बहुत लो है, शुगर लेवल बहुत लो फील होता है फीमेल्स को। तो इसलिए कार्ब्स कभी भी नहीं छुड़वाएंगे, एक मॉडरेट अमाउंट में कार्ब बहुत ज़रूरी है आपके मिल्क प्रोडक्शन के लिए भी, क्योंकि लैक्टोज जो है वो भी कार्ब्स में आता है। तो मिल्क प्रोडक्शन के लिए कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़रूरी हैं, छोड़ेंगे नहीं, एक एवरेज अमाउंट में लेंगे 55%, जितना भी आप दिन में खा रहे हैं उसमें से कार्ब्स ले लें। कार्ब्स को मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ थोड़ा सा। कार्ब्स में रोटी आते हैं, चावल आते हैं, दालें आती हैं और इस तरह की सारी चीज़ें, जितने भी वहाँ पे सीरियल्स हैं और ग्रेन्स हैं वो आते हैं। कार्ब्स ज़रूर लें, लेकिन आप ये कर लें कि उसको होल ग्रेन की फॉर्म में लें, बजाय इसके कि आप रिफाइंड ग्रेन्स ले रहे हैं, होल ग्रेन्स की फॉर्म में लें। और इसके अलावा फैट्स, फैट्स के बारे में ये है कि फैट्स आर रियली इंपॉर्टेंट। आपने फैट्स अवॉइड नहीं करने, लेकिन फैट्स में भी टाइप्स होती हैं, तो यू हैव टू चूज हेल्दी फैट्स। हेल्दी फैट्स जो हमारे पास नट्स से आते हैं, जो हमारे पास सीड्स से आते हैं, जो हमारे पास फैटी फिश से आते हैं, जो हमारे पास जैसे फिश ऑयल होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, वो हेल्दी फैट्स होती है, जिसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स होते हैं। तो ये वाली चीज़ें आप, ये वाले फैट्स कंज्यूम करें और ट्रांस फैट्स यूज ना करें। ट्रांस फैट्स वो होते हैं जो हम ऑयलिंग के लिए गंदा तेल यूज़ करते हैं, जो फ्राइड आइटम्स होती हैं वो यूज़ ना करें, लेकिन अच्छे वाले फैट्स नट्स लें। बहुत सारे नट्स हैं, इतनी हमारे पास वैरायटी है नट्स की और वो इतने अच्छे ऑप्शन है हमारे पास फैट्स की, आपके हेयर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपकी स्किन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ड्यूरिंग लैक्टेशन वो आपकी बेबी की मेंटल ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जितने फैट्स लेंगे ऑफकोर्स आपकी मिल्क प्रोडक्शन और आपकी क्वालिटी, मिल्क क्वालिटी उतनी अच्छी जाएगी बेबी को। सो फैट्स बिल्कुल अवॉइड ना करें, मॉडरेट अमाउंट में लें। नॉर्मली 30% आप अपनी जितनी भी डाइटरी इनटेक ले रही हैं उसमें 30% फैट्स इंक्लूड करें, 55% तक आप उसमें कार्ब्स इंक्लूड करें और रेस्ट जो है वो आप प्रोटीन से लें। इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने अपनी कैलोरीज बहुत कम नहीं कर देनी इस शौक में कि आप वेट लूज करें, क्योंकि ये फिर आपके बेबी को न्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं जाएंगे। इफ़ और स्पेशली इफ़ यू आर एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग, तो फिर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप 1800 1500 1800 इससे नीचे कैलोरीज को बिल्कुल भी हम रिकमेंड नहीं करते एक फीडिंग मदर को। 1800 किलो कैलोरीज का डाइट लें, प्रोफेशनल की हेल्प ले लें इफ़ यू वांट, क्योंकि आप अगर कैलोरी काउंट में आपको थोड़ा सा मसला और है तो आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले लें, लेकिन बिल्कुल लो कैलोरीज पर मत जाएं, क्योंकि इससे आपका मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाएगा, आपके बेबी को भी रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, और अगर आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा तो बजाय इसके कि आपको फ़ायदा हो आपको उल्टा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाए तो वेट लूज करना इज़ रियली डिफ़िकल्ट। तो इस तरह मत लें। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कैफ़ीन, कैफ़ीन के बारे में मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगी कि हमारी जो यहाँ पे औरतें हैं वो बहुत ज़्यादा चाय कंज्यूम कर रही होती हैं, और चाय को इवन हम हेल्दी कंसीडर कर रहे होते हैं उस टाइम पे, तबीयत नहीं ठीक चाय पी लो। तो एक चीज़ तो ये है कि चाय में जो आप मिल्क ले रहे हैं वो कोई फ़ायदा नहीं है उसका, उसमें दूध की भी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो आपने चाय को ये नहीं करना कि आपने, फॉर एग्जांपल आपको रिकमेंड किया जा रहा है कि आप दिन में 2 से 3 ग्लास दूध लें, तो आप वो 2 से 3 जो कप है वो चाय में डाल के ले रहे हैं और आप समझें कि मैं तो अपनी दूध की रिक्वायरमेंट पूरी कर रही हूँ। दूध अलग लेना है और चाय अगर लेनी है तो 1 से 2 कप आप ले सकते हैं, अदरवाइज कट डाउन करें अपनी कैफीन की इनटेक को, अपनी चाय की इनटेक को, और इट विल हेल्प यू इन लूजिंग वेट एज वेल। तो मैम, हमारी सोसाइटी के अंदर एक प्रॉब्लम ये आ रहा है कि बहुत ज़्यादा फार्मूला मिल्क की तरफ रुझान चल रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगी? अच्छा, पर्सनली मैं तो अपने किसी भी क्लाइंट को फार्मूला मिल्क कभी भी रिकमेंड नहीं करती। अगर आप फार्मूला मिल्क दे रहे हैं अपने बेबी को तो आप एक्सपेक्ट कर लेंगे फिर उसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने हैं। आजकल आपने देखा है फिर जो फार्मूला मिल्क ले रहे हैं, एक तो उन बच्चों की हेल्थ यू कैन सी कि वो किस कदर ज़्यादा फूले हुए होते हैं, या हम कह सकते हैं उनका ओबेसिटी की तरफ चले जाते हैं, वो इन
इन सच एन अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ, क्योंकि वो मिल्क आपके बच्चे को, उसके अंदर कुछ ऐसी सारी चीजें होती हैं, बल्कि काफी ऐसी सारी चीजें होती हैं जो आपके बच्चे को ओबेसिटी की तरफ लेके जाती हैं। उसके अलावा ओबेसिटी के साथ साथ उन बच्चों में वो नेचुरली लेजी होते हैं, उनमें इशू ये आता है कि उनमें चेस्ट कंजेशन का इशू आजकल बच्चों में बहुत आ जाता है। जो बच्चे फॉर्मुला मिल्क लेते हैं आपने देखे होंगे वो बीमार भी ज्यादा होते हैं, क्योंकि एक तो ये होता है कि हमारे जो एक तो ये होता है व्यूअर के सीन की रेशो होती है मिल्क के अंदर, तो वो वाली जो ह्यूमन मिल्क के अंदर होती है वो नेचुरली अल्लाह ताला ने ऐसी बनाई गई है कि वो बेबी के बहुत अच्छी और बहुत एफिशिएंट डाइजेशन हो जाती है उसकी बॉडी के अंदर। जब आप शिफ्ट करते हैं टुवर्ड्स फ्रॉम मदर मिल्क टुवर्ड्स फॉर्मुला मिल्क, तो देखें आप एक नेचुरल चीज से डेविएट कर रहे हैं। तो नेचुरली एक जो चीज अल्लाह ताला ने बनाई है आपके बेबी के लिए या एक अल्लाह ताला ने चीज बनाई है, उसे बेस्ट चीज तो कोई भी नहीं है। तो इस एक तो इस चीज की मुझे वजह भी समझ में नहीं आती कि क्यों जस्ट फॉर द सेक ऑफ फैशन। बहुत सारी मदर्स मैंने ऐसी देखी हैं जिनको कोई इशू नहीं है लैक्टेट करवाने में या नर्स करवाने में, और वो सिर्फ इसलिए करें क्योंकि डॉक्टर ने लिख दिया या फिर एक ट्रेंड बन गया है फॉर्मुला मिल्क का। तो मैं तो इसको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करती, ना वो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आप को भी ब्रेस्ट फीड करवाना आपके अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आप बहुत सारी डिजीजेज और हेल्थ कंडीशन से बच जाते हैं, और आपका बेबी भी बहुत सारी हेल्थ कंडीशन से बच जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन आते हैं, चेस्ट कंजेशन के मसले आते हैं बेबीज में, ईयर इन्फेक्शन के मसले आते हैं बेबीज में। उसके अलावा वो जो मिल्क होता है वो इतने अच्छी तरह डाइजेस्ट भी नहीं कर पाते बेबी, उसके वजह से जीआई ट्रैक के उनके इतने सारे मसाइल आ जाते हैं। तो सबसे बेस्ट चीज तो यही है कि आप अपने बेबी को अपना ब्रेस्ट फीड करवाएं, खुद भी आप बहुत सारी बीमारियों से बचेंगे। ईजी है, कन्वीनियंट है सबसे ज्यादा, ना आपको उसको गर्म करने की टेंशन है, ना आपको उसको बनाने की टेंशन है, ना आपको उसके अलावा इकोनॉमिकली इतना बर्डन आ जाता है न्यूली पेरेंट्स पे कि आप जब उसको करवा रहे होते हैं फॉर्मूला फीड। उसके बजाय हर तरह से ही फायदा है आपको ब्रेस्ट फीडिंग में। सबसे ज्यादा तो आपको वेट लॉस का फायदा हो जाएगा, जिस जो सबसे बड़ा कंसर्न होता है मदर्स का। तो आई डोंट नो कि आप क्यों शिफ्ट करेंगे फॉर्मूला मिल्क की तरफ, मैं तो इसको बिल्कुल रिकमेंड भी नहीं करूंगी। तो मैम कुछ ऐसे फूड्स जो कि मस्ट इंक्लूड करने चाहिए आफ्टर प्रेगनेंसी और ऐसे फूड्स जो अवॉइड करने चाहिए, वो कौन कौन से हैं? अच्छा, जब हम बात करते हैं फूड्स टू कंज्यूम एंड फूड्स टू अवॉइड की, तो इसमें प्रेग्नेंट औरतों के लिए और नॉर्मल औरतों के लिए कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। कुछ चीज़ों का फर्क है जिसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक तो ये कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम मेजर जो तीन फूड ग्रुप्स हैं उनकी बात कर लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स की। तो इसमें यह है कि कार्ब्स लेने हैं आपने, अवॉइड नहीं करने बिल्कुल भी, कार्ब्स आपको मोटा नहीं करेंगे, ये एक मिसकंसेप्शन है। एक मॉडरेट अमाउंट में कार्ब्स लें, बिल्कुल आपको अच्छे वाले न्यूट्रिएंट्स के लिए चाहिए, एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए चाहिए। 55% तक आप कार्ब्स लें, जिनमें आते हैं आपकी रोटी, आपके चावल, आपकी दालें, कॉर्न्स, ब्रेड्स। लेकिन इसमें फर्क ये करना है आपने कि आपने रिफाइंड की बजाय होल की तरफ जाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप व्हाइट ब्रेड ले रहे हैं तो ब्रांड ब्रेड लें या मल्टीग्रेन ब्रेड लें, आजकल मार्केट में बहुत अच्छी आ रही है। अगर आप रिफाइंड आटे की रोटी बना रहे हैं मार्केट से खरीद के, तो ट्राई करें कि आप चक्की वाले आटे की रोटी खाएं, होल व्हीट वो वाला यूज़ करें। इसके अलावा आप मल्टीग्रेन रोटी यूज़ कर सकती हैं, फॉर एग्जांपल मिक्स आटा करके, तीन चार आटे मिक्स करके और एक मल्टीग्रेन रोटी बना सकती हैं, वो बहुत हेल्दी है और वो बिल्कुल भी उसमें कोई नुकसान नहीं है। और आप बाकी कार्ब्स के सोर्सेज दालें अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें, सीड्स हैं अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें, लिग्यूम्स हैं, सीरियल्स हैं जितने भी, वो ज़रूर ऐड करें, निकालें मत, सिर्फ उनको शिफ्ट करें एक हेल्दी स्वाप कर लें उसको एक हेल्दी ऑप्शन से। इस तरह से कार्ब्स बिल्कुल अवॉइड करना मैं रिकमेंड नहीं करूँगी, कार्ब्स ऐड करें। फिर प्रोटीन, जिस तरह मैंने पहले बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन लीन सोर्सेज बट प्रोटीन के, जिसमें अंडा है, जिसमें लो फैट मिल्क है, जिसमें हमारे पास फिश है, जिसमें हमारे पास चिकन है, जिसमें हमारे पास दालें हैं, ये सारी चीज़ें। आप बीन्स हैं, बीन्स बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन के, बीन्स ऐड करें अपनी डाइट में, नट्स ऐड करें अपनी डाइट में, ये सारी चीज़ें ऐड करें, इनके थ्रू आप प्रोटीन लें। और इसके अलावा जब हम तीसरे ग्रुप की बात करते हैं फैट्स की, तो उसमें भी हमारे पास ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैट्स का ग्रुप है, जो हमारे पास नट्स और सीड्स में होते हैं, वो बहुत अच्छे हैं आपके लिए भी, आपके बेबी के लिए भी अच्छे हैं। अगर आप उसे ब्रेस्टफीड करवा रहे हैं तो वो वाले फैट्स ऐड करें, ट्रांस फैट्स ऐड ना करें, फ्राइड फूड करके या जो ऑयल है वो ऐड ना करें, इसके बजाय अच्छे वाले हेल्दी फैट जरूर ऐड करें। अगर आपको पसंद है तो आप पीनट बटर की फॉर्म में, नट स्प्रेड्स की फॉर्म में फैट यूज कर सकते हैं, ऑलमंड स्प्रेड मिल रहा है आजकल मार्केट में, पीनट बटर मिल रहा है आप वो यूज कर सकते हैं, कैश्यू नट का बटर स्प्रेड मिल रहा है वो यूज कर सकते हैं। इस तरह से हेल्दी फैट ऐड करें अपनी डाइट में। और ये तो तीन मेजर सोर्सेस हो गए जो हम बात कर रहे हैं कि ये ग्रुप आपने जरूर लेने ही लेने हैं। अवॉइड करने की चीज़ों में नेचुरली सोडा ड्रिंक्स अवॉइड करें, जो हम
नॉर्मल बंदे को भी रिकमेंड करते हैं। बेवरेजेस और सोडा ड्रिंक्स को आप अवॉइड करें, ट्रांस फैट्स फ्राइड फूड आइटम्स को आप अवॉइड करें, पैकेज्ड फूड आइटम्स को अवॉइड करें। और जितना ज़्यादा इसमें देखें कि जितना ज़्यादा आप नेचुरल फूड्स कंज्यूम कर सकते हैं ना, उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर है। फॉर एग्जांपल, नेचुरल फूड सोर्सेज आपके पास जिस तरह से हैं, फ्रूट है, वेजिटेबल्स हैं, जितनी भी इस तरह की चीज़ें हैं वो यूज़ करें, जितनी भी पैकेज प्रोडक्ट्स हैं और जितनी भी आपके पास मैन मेड प्रोडक्ट्स हैं उनको अवॉइड करने की कोशिश करें। तो नेचुरल चीज़ें बिल्कुल आपको कुछ नहीं कहती, वो सब आप कंज्यूम कर सकते हैं इजीली। इसके साथ साथ आप हाई फाइबर फूड्स लें जिनमें फ्रूट आते हैं और वेजिटेबल्स आते हैं, वेजिटेबल्स और फ्रूट रॉ यूज़ करने की कोशिश करें। जो हम इतना सारा कुक कर लेते हैं, जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को, या फ्रूट्स को तो कुक नहीं करते, वेजिटेबल्स को हम जितना सारा कुक कर लेते हैं उसके वजह से सारे न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं, उसके अंदर जितने भी विटामिन और मिनरल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि सैलड के फॉर्म में, रॉ वेजिटेबल के फॉर्म में आप उसको यूज़ करें, जो भी आप अपनी वेजिटेबल की सर्विंग ले रहे हैं उस तरह से यूज़ करने की कोशिश करें। इसके अलावा कैफीन मिनिमाइज़ करने की कोशिश करें। उसके अलावा फ्रूट जूसेस और जो भी शुगरी ड्रिंक्स हैं, जो डब्बे वाले जूसेस आ रहे हैं, उनको अवॉइड करें। इसके बजाय फ्रेश फ्रूट जूस ले लें, और अगर फ्रेश फ्रूट जूस से भी बेहतर है अगर आप फ्रूट एज अ होल खा सकते हैं वो खाएं, क्योंकि उसमें ऑफ कोर्स इट विल बी हाई इन फाइबर, और फाइबर इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू लूज वेट, टू मेंटेन अ गुड टोन्ड बॉडी, एंड ऑल्सो कॉन्स्टिपेशन और उस तरह के जी आई ट्रैक के जितने भी इश्यूज हैं जो प्रेगनेंसी में हो रहे होते हैं उनके लिए। इसके अलावा फॉलिक एसिड हम बात करते हैं, फॉलिक एसिड इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर प्रेगनेंट मदर्स। इसकी सप्लीमेंटेशन नॉर्मली हर डॉक्टर रिकमेंड कर देता है आपको, तो अपने वो जो भी मल्टी वाइटमिन है या फॉलिक एसिड की सप्लीमेंट्स हैं जो डॉक्टर ने आपको रिकमेंड करते हैं उनको बिल्कुल भी स्किप ना करें, वो आप लेते रहें, वो आपके डॉक्टर आपको रिकमेंड कर देते हैं ईजीली। और यही वाली चीज़ें हैं नेचुरली। इसके अलावा आई थिंक कोई ऐसी चीज़ नहीं है। पानी 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 इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। पानी आपने हाइड्रेटेड रखना है अपनी बॉडी को। इसके लिए एक बड़ा जनरल सा याद रखने का फॉर्मूला होता है कि आपने कितना पानी पीना है, स्पेशली फॉर द लैक्टेटिंग मदर्स। आपने ये करना है कि जब भी आपने ब्रेस्ट फीड करवाना है ना अपने बेबी को, आपने उससे पहले 1 गिलास पानी पीना है, और आपने अपने साथ पानी रख के नर्सिंग है या फीडिंग है वो शुरू करवानी है। और हमेशा 1 गिलास आपने फीड करने से पहले पीना है पूरा ग्लास पानी का, और 1 गिलास फीड करने के बाद पीना है। अगर आपके बेबी को हाइड्रेटेड रहने की ज़रूरत है तो आपको उससे भी ज़्यादा हाइड्रेटेड रहने की ज़रूरत है। इसके अलावा जब आपने खाना खाना है, खाने से तकरीबन 10 मिनट पहले आप 1 फुल ग्लास पानी का पिए। अगर आप ये इस तरह से फॉलो करें अपनी पानी की रूटीन, सुबह उठ के 2 से 3 गिलास पानी पिए, हर मील लेने से 10-15 मिनट पहले 1 गिलास पानी का पी लें, और आपने जितनी दफ़ा ब्रेस्ट फीड करवाना है हर ब्रेस्ट फीडिंग के लिए 1 गिलास भर के पहले पानी का पीना है और 1 गिलास बाद में पीना है, तो यू विल स्टे हाइड्रेटेड और आपके पानी की चीज़ों की टेक केयर हो जाएगी। ऐसे यस मैम, आपने तो काफ़ी डिटेल के अंदर फूड्स बता दिए हैं काफ़ी डिटेल के अंदर, तो ये आई गेस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो मैम एक इस सारे को कंक्लूड करते हैं, ब्रीफ सा डाइट प्लान एक जो खातून जो लैक्टेट भी करा रही हैं वो फॉलो करें, या पोस्ट प्रेगनेंसी एक ब्रीफ सा डाइट प्लान लंच डिनर और ब्रेकफास्ट का अगर आप बता सकें। अच्छा, इसमें तो सामने एक चीज़ ये होती है कि आप जब डाइट प्लान बनाते हो ना तो हर बंदे के लिए ना कस्टमाइज्ड होता है, तो क्योंकि उसकी कैलोरीज के हिसाब से आपको उसकी कैलोरीज निकालनी है, आप उसके कार्ब्स प्रोटीन फैट्स निकालते हो। लेकिन एक जनरल सा अगर हम बात करें तो वो मैं एक बता देती हूँ। इसमें आप हर बंदे के बॉडी वेट, उसके एज, उसकी बॉडी कंडीशन के हिसाब से अलग प्लान होता है। तो जनरल स्ट्रक्चर में बता देती हूँ, इसमें यह है कि आप अपनी मर्जी से थोड़ा अपनी बॉडी वेट के हिसाब से, अपनी बॉडी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। तो उसमें हम ये रिकमेंड करते हैं, सबसे पहले तो उठ के, बिकॉज आप सारी रात के सोए हुए हो, आपकी बॉडी को, वो तो हम कोई मशीन चलाने से पहले भी उसके अंदर से खाली गुजारते हैं ना पानी के, उसमें साफ हो जाए, इस तरह से आपकी बॉडी भी बिल्कुल मशीन है। आपने अपनी बॉडी को भी सुबह सुबह उठ के चलाने के लिए उसमें से पहले पानी गुजारना है, तो उसके लिए आपको सुबह उठ के 2 से 3 गिलास पानी जरूर पीने हैं। सुबह उठे सबसे पहले वेट लूज में भी हेल्प करेंगे ये, नॉट जस्ट टू कीप योर बॉडी हाइड्रेटेड। आपने सुबह उठना है, 2 से 3 गिलास पानी पिए। आजकल सर्दियां हैं, बड़ा अच्छा मौसम है, नीम गर्म पानी पिए जो सबसे बेस्ट है। हो सके उसमें थोड़ा सा लेमन डाल लें, थोड़ा सा हनी डाल लें, और वो पानी आपने 2 से 3 गिलास पीना है उठ के सबसे पहले। उसके बाद आप फ्रेश होएं, जिस तरह से भी आपकी रूटीन है। और उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उठने के 45 मिनट्स के अंदर यू हैव टू डू योर ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट लेट मत करें, ब्रेकफास्ट स्किप मत करें, क्योंकि आपकी बॉडी, आपके लिवर के अंदर जितने भी स्टोर्स होते हैं वो स्लीप ड्यूरिंग योर स्लीप वो यूज़ हो चुके होते हैं, तो योर बॉडी नीड्स टू गेट फ्यूल्ड। उससे पहले आप कोई भी काम करें तो 45 मिनट्स के अंदर ब्रेकफास्ट ज़रूर कर लें। ब्रेकफास्ट में आप ले सकते हैं हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट लें, बहुत अच्छा सारा फुलफिलिंग सा एनरिचिंग सा ब्रेकफास्ट लें। उसके लिए आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप थोड़ा ब्रेड
अंडा टाइप इस्तेमाल करना चाहते हैं, 2 अंडे लें, 2 मल्टीग्रेन या ब्रांड ब्रेड के स्लाइसेस ले लें, साथ साथ इसके 1 कप लो फैट योगर्ट ले लें। और अंडे जो है वो आप किसी भी फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, यू कैन ईदर मेक एन ऑमलेट, यू कैन यूज़ देम एज बॉइल्ड एग्स, यू कैन यूज़ स्क्रैम्बल्ड एग्स, जिस तरह से भी आपको अंडे पसंद है, बट ट्राई करें कि ब्रेकफास्ट में ज़रूर एग्स शामिल करें। इसके साथ आप 6 से 7 ऑलमंड्स ले लें या कोई भी दूसरे नट ले लें जो आपको पसंद है। और अगर आप इसके अलावा आप पसंद करते हैं थोड़ा सा हैवी पराठों वाला ब्रेकफास्ट, तो बिल्कुल आप वो भी ले सकते हैं। वेट लॉस के अपने प्रोसीजर में एक आप हेल्दी सा नाश्ता भी कर सकते हैं पराठों वाला, लेकिन उसके अंदर आपने चेंज क्या करना है कि आपने अपनी जनरल जो रिफाइंड फ्लोर का आटे से आप पराठा बना रहे हैं उसको आपने चेंज कर देना है इनटू मल्टीग्रेन। बेसन का आटा ले सकते हैं, जौ का आटा ले सकते हैं, बाजरे का आटा ले सकते हैं, या फिर मल्टीग्रेन आजकल मार्केट में बहुत टाइप के आटे मिल रहे हैं, उनमें से कोई भी आटा लें, उसकी एक रोटी बनाएं, उसके साथ आप अंडों, वही मैं तो अंडा रिकमेंड करूंगी ब्रेकफास्ट में, किसी भी फॉर्म में ऑमलेट बना लें, बॉयल कर लें, उसको आप पानी में फ्राई कर सकते हैं, या आप कोई भी इस तरह से जिस जो फॉर्म आपको पसंद है अंडे के, आप साथ अंडा लें अपना, वो पराठा लें, और उसके साथ आप 1 कप लो फैट योगर्ट ले लें उसी तरह से। तो ये हमारा ब्रेकफास्ट हो गया, ठीक है। और उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि अच्छा, मैं अपने किसी भी क्लाइंट को बिल्कुल 3 मेजर मील्स नहीं दे रही होती दिन में, मैं उसकी जगह उनको दे रही होती हूँ 6 स्मॉल मील्स। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने ब्रेकफास्ट कर लिया, उसके बाद हम उसको स्नैक्स दे देंगे, हम उसको जैसे अगर आपने ब्रेकफास्ट किया सुबह उठ के 9 से 10 बजे, 11-12 बजे एक छोटा स्नैक ले लें, वो स्नैक में क्या लें, कोई भी सीजनल फ्रूट ले लें, जो फ्रूट आ रहा है वो फ्रूट ले लें। फॉर एग्जांपल आजकल ऑरेंजेस आ रहे हैं, विच आर रिच इन विटामिन सी, बहुत अच्छा सोर्स है, वो आपको वेट लूज करने में भी हेल्प करते हैं। ऑरेंज कोई भी फॉर्म में, मौसमी ले लें, माल्टा ले लें, और किन्नू ले लें, जो भी विटामिन सी रिच फ्रूट है वो ले लें, और या फिर जो भी सीजनल फ्रूट आपको पसंद है, अनार अच्छे आ रहे हैं आजकल, अनार ले लें, कोई भी सीजनल फ्रूट की 1 से 2 सर्विंग ले लें अपने जो मिड मॉर्निंग स्नैक है उसमें वो। और उसके बाद जब आप लंच की तरफ अगर हम मूव करें, तो लंच में आप मल्टीग्रेन आटे वाली 1 रोटी ले लें, उसके साथ रॉ वेजिटेबल सैलेड ज़रूर ऐड करें अपनी डाइट में। तो बेस्ट टाइम ये है कि आप उसको अपने लंच के टाइम पे ऐड कर लें, तो आप 1 रोटी लें, उसके साथ लंच लें, वो सॉरी उसके साथ अपना सैलेड लें, और उसके साथ एक बिल्कुल थोड़ी सी अमाउंट में कोई भी सालन घर में बनाइए। दिस इज़ एन ईजी एंड जनरल डाइट प्लान, तो इसमें कोई वो बहुत मेहनत की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसमें आप पोर्शन साइज का ख्याल रखना इज़ इम्पॉर्टेंट। इसके अंदर आप साथ ले लें जो भी आपका सालन बनाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने प्लेट को 3 हिस्सों में डिवाइड करें, आधे हिस्से में आपका सैलेड होना चाहिए, मिक्स वेजिटेबल रॉ वेजिटेबल सैलेड, क्वार्टर हिस्से में रोटी रख लें, क्वार्टर हिस्से में अपना सालन रख लें, तो ये आपका बड़ा सफिशिएंट सा फुलफिलिंग सा लंच भी हो जाएगा। इसके अलावा आप इवनिंग में एक स्नैक लें छोटा, जिसमें आप ले सकते हैं ग्रीन टी, मैं रिकमेंड करूंगी ग्रीन टी ले सकते हैं, ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं, या जो लोग दूध वाली चाय पसंद करते हैं वो टी ले सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि वो जो टी बनाई है आपने वो लो फैट मिल्क से बनाई है। मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स के लो फैट मिल्क अब तो अवेलेबल हैं, तो आप कोई भी लो फैट मिल्क लें, उसकी चाय लें, उसके साथ आप ये कर लें, आप उसके साथ नट्स और सीड्स ऐड करें अपनी इवनिंग टी के साथ। उस टाइम पे आप नट्स लें, ग्रीन टी लें या टी लें, फिर उसके 2 घंटे बाद डिनर का टाइम हो जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज़, डिनर जो आपने करना है वो आपने 8 से 9 बजे तक कर लेना है, लेट नाइट डिनर नहीं करना। एक तो लाइट डिनर करें, क्योंकि इस डाइट प्लान में मैंने आपको लंच भी अच्छे वाला दिया है, आपको मैंने ब्रेकफास्ट की ऑप्शन भी बड़ी अच्छी और हेल्दी ऑप्शन बताई है बिल्कुल, और उसके अलावा आप 2 स्नैक्स भी ले चुके हैं दिन में, तो उस तरह से भूख नहीं लगेगी। तो डिनर एक लाइट डिनर लें, उसमें भी हाई प्रोटीन डिनर मैं रिकमेंड करूँगी, और उसके लिए आप चिकन ले सकते हैं, एक छोटा पीस चिकन का ले लें, उसको एयर फ्राई कर सकते हैं, उसको स्टीम कर सकते हैं, उसको किसी भी तरह कुक कर लें ऑयल यूज़ किए बगैर, या 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल के अंदर आप उस चिकन को यूज़ कर लें। आजकल फिश वाला सीजन है, फिश यूज़ कर सकते हैं उसमें, आप ये करें चिकन या फिश 250 ग्राम्स तक ले सकते हैं, 250 ग्राम्स तक चिकन या फिश ले लें, उसके साथ आप अगर आपने कार्ब्स यूज, वैसे तो आप कार्ब्स ले चुके हैं नाश्ते में भी ले चुके हैं, लंच में भी ले चुके हैं, स्टिल इफ यू वांट टू यूज सम कार्ब्स, तो एक मल्टीग्रेन कार्ब का कोई सोर्स थोड़ा सा ऐड कर लें, अदरवाइज आप वो अपना चिकन या फिश का पीस लें, उसके साथ आप अपनी सैलेड ले लें, रॉ वेजिटेबल सैलेड, या उसके साथ आप बीन्स ले सकते हैं, बीन सैलेड ले लें, सबसे बेटर ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू दिस प्लान, आप बीन्स ले लें और साथ उसके चिकन या फिश का पीस ले लें, और उसके बाद फिर सोने लगे एक बेड टाइम ड्रिंक मैं दूंगी, स्पेशली फॉर द लैक्टेटिंग मदर्स जो लैक्टेट करवा रही हैं अपने बेबीज को, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो मिल्क के 2 जो सर्विंग है वो जरूर लें दिन में। 1 सर्विंग तो हमने ले ली हुई है सुबह ब्रेकफास्ट में लो फैट योगर्ट की फॉर्म में, दूसरी सर्विंग हम ले रहे हैं इस टाइम बेड टाइम, बेड टाइम में जो मिल्क ले लें 1 ग्लास लो फैट, मिल्क के अंदर टर्मेरिक थोड़ी सी ऐड कर लें, हल्दी जिसे हम कहते हैं उसे हम गोल्डन मिल्क भी कहते हैं, हल्दी वाला दूध आप
शाम को सोने से पहले पी लें, रात को, और उससे क्या होगा, एक तो वो एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, वो आपकी जो भी इन्फ्लेमेशन है आपकी, अगर इवन आपका सी सेक्शन हुआ है उसके साथ जो भी आपके मसले मसाइल हैं बॉडी के वो हल होंगे, और उसके अलावा आप एक की मील की सर्विंग भी पूरी हो जाएगी, प्लस इट विल ऑल्सो हेल्प यू इन लूजिंग वेट, लैक्टेट भी करवाना है, आपकी मिल्क प्रोडक्शन भी इससे अच्छी होगी। तो ये एक जनरल सा डाइट प्लान था, जो इसको कोई भी अपनी मर्जी से उस तरह से चेंज कर सकता है जिस तरह वो प्रेफर करता है चीज़ें। मैम ये जर्नल तो नहीं था, बल्कि आपने बहुत डिटेल के अंदर स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर दिया है, तो ये तो बहुत अच्छा है। तो मैम इसके अंदर एक्सरसाइज क्या ऐड कर सकते हैं हम? अच्छा, इसके अंदर एक्सरसाइज ऐड कर सकते हैं आप किसी भी टाइम, ऐसा कोई रूल नहीं होता कि आपकी एक्सरसाइज, कुछ लोग जैसा कहते हैं कि मॉर्निंग में ही एक्सरसाइज ज़्यादा इफेक्टिव होती है या शाम में इफेक्टिव होती है, इस तरह से कुछ नहीं होता। इसको आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी टाइम पे सेट कर सकते हैं, जिस टाइम आपको लगता है कि आप ज़्यादा एनर्जेटिक फील करें, और स्पेशली अगर हम मदर्स की बात करें तो बहुत बिजी होती हैं, उनके जो सारा स्केड्यूल है स्पेशली विद द न्यू बेबी एंड ऑल, तो इसमें यह है कि आपको जब टाइम लगे, बस आपने ये चीज़ ख्याल करनी है कि आपने फ़ौरन खाना खा के एक्सरसाइज नहीं करनी, एक्सरसाइज तब करें जब आप तो इतने ज़्यादा फुल ना हो, आप में एनर्जी हो कुछ करने की लेकिन आपने बिल्कुल यहाँ तक भरे हुए ना हो, तो वो आप कोई भी टाइम चूज़ कर सकते हैं, बेस्ट है सुबह उठ के थोड़ा सा जो आप अपना ले रहे हैं पानी वगैरह ले रहे हैं या एक छोटा स्नैक अगर सुबह उठ के ले रहे हैं तो उसके बाद आप कर लें थोड़ी सी एक्सरसाइज, या फिर इवनिंग का टाइम बड़ा अच्छा रहता है एक्सरसाइज में, उस टाइम आप थोड़े फ्री भी होते हैं, तो आप अपने लंच और इवनिंग स्नैक के बीच में एक्सरसाइज कर सकते हैं, या इवनिंग स्नैक और डिनर के बीच में एक्सरसाइज कर लें, व्हाटएवर टाइम सूट्स यू। मैम बहुत शुक्रिया, आपने बहुत डिटेल के अंदर एक्सप्लेन कर दिया। अगर मैम आपसे कोई रابطہ करना चाहे इस हवाले से या वेट लॉस मैनेजमेंट के हवाले से, तो वो कैसे आपसे कॉन्टैक्ट कर सकता है? मुझसे कांटेक्ट आप कर सकते हैं थ्रू माय चैनल, थ्रू माय जो मेरा एक लिंक है वो डॉक्टर प्लेट के नाम से इंस्टाग्राम पे है, और उसी के थ्रू मैं क्लाइंट्स ले रही हूँ, और वहाँ पे आप मुझे डीएम कर सकते हैं, या फिर अगर आपके थ्रू कोई कांटेक्ट करना चाहता है तो सामा आई गिव यू माय नंबर, और उसके थ्रू भी मुझे कोई कांटेक्ट कर सकता है, वरना एक जो ऑफिशियल सोर्स है दैट इज़ द माई पेज ऑन इंस्टाग्राम डॉक्टर प्लेट बाय इस्कावान के नाम से, वो पेज है बिल्कुल उसके थ्रू। मैं आपके जो इंस्टाग्राम का लिंक है वो अपने डिस्क्रिप्शन में ज़रूर शेयर कर दूंगा, ताकि अगर कोई आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहे तो आप कर लें। जी थैंक यू सो मच। तो मैम बहुत शुक्रिया, आपने इतनी डिटेल के अंदर सेशन, आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि बस 10-15 मिनट का सेशन होगा, और माशाल्लाह आपने इतना ज़्यादा एक्सप्लेन किया, तो थैंक यू सो मच। तो आई होप कि आज का जो सेशन है आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहा होगा, तो अगर आप मैडम से कॉन्टैक्ट करना चाहें तो उनका जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कॉमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।